स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद बंसल है। वीडियोस की ये श्रृंखला, इसका नाम बेहतर भविष्य है। इस श्रृंखला में हम भारत एवं विश्व दोनों के भविष्य पर बात करेंगे। आज हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि भारत और विश्व दोनों ही बेहतर बने, इस पर कुछ विचार रखेंगे। और फिर भारत की जो उसके ग्रंथों के कारण एक विशेषता है, हम उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि विषय पर चर्चा करें, मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं एक टेक्नोक्रेट रहा हूँ, IIT कानपुर से BTech तथा रुड़की विश्वविद्यालय से मास्टर्स और PhD किया था। एक US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी काम किया और रुड़की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर भी काम किया। आज से लगभग 30 वर्ष पहले अपने शास्त्रों पुराणों आदि में रुचि पैदा हुई। रोजाना पढ़ने का एक नियम बनाया। शुरू शुरू में सब सुनी सुनाई कहानियां लगती थी, लेकिन नियम को तोड़ा नहीं। एक ग्रंथ पूरा हुआ तो दूसरा शुरू कर दिया, फिर कॉपियों पर नोट्स बनाने लगे। जैसे पूजा के लिए बैठे तो साथ में नोट्स भी बनने लगे। कंप्यूटर आया तो फाइलें बनने लगी। यह क्रम करीब 10 वर्ष चला। फिर क्या? फिर ऋग्वेद पर स्वामी दयानंद का भाष्य पढ़ने को मिला। अब एकदम नए नाम विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि की जगह इंद्र, वरुण, मित्र आदि की स्तुतियां, जिनसे धन धान्य गाय आदि देने के लिए बात की गई, प्रार्थना की गई। सवाल बहुत थे, कुछ उत्तर मिले, जिनके आधार पर 2006 में एक पुस्तक लिखी, बैटर टुमारो नाम से। पुस्तक में रामायण महाभारत पर एक नई दृष्टि थी। उसके अलावा गांधी, प्रॉफेट मोहम्मद और जीसस पर भी लिखा। 2010 में इंटरनेट के माध्यम से ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऋग्वेद के अनेक देवता नक्षत्रों के भी देवता हैं। इस अध्ययन से अपने शास्त्रों की अनेक गुत्थियां खुली। खैर, अध्ययन तो 2010 के बाद भी चलता रहा और चलता ही रहेगा। बेहतर भविष्य एक कागजी कार्यवाही ना हो, बल्कि देश और विश्व में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं भी बना पाए, इसलिए अध्ययन जो है वो जारी है। तो अब इस श्रृंखला में हम लोग किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे? तो मुख्य तीन बिंदु हैं। पहले, आज विश्व में लगभग सभी जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हम किसी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उसके मूल से जानने की कोशिश करें, कहां शुरू हुआ, जिससे हम बेहतर भविष्य के लिए उनमें उचित बदलावों के बारे में सोच सके, बता सके। दूसरा, आज सभी देशों में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। जैसे भारत के लिए अगर हम कहें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र में शासन पर अधिकार कुछ विशेष धर्म, संप्रदाय आदि के लोगों का रहता है। भारत में हिंदुओं को देश का मूल नागरिक माना जाता है, इसलिए शासन भी हिंदुओं के हाथ में रहना चाहिए। देश में यह अनेक आशंकाओं को जन्म लेता है, जो बेहतर राष्ट्र एवं बेहतर विश्व की संभावनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचाता है। तीसरा बिंदु, वेदों के रचने वाले ऋषि एक ही परिवार के थे। पुरातत्व संबंधी रिसर्च से इस खानाबदोश परिवार के अनेक स्थानों पर प्रवास के संकेत मिलते हैं।
इन ऋषियों ने उन सभी सभ्यताओं के अपने अनुभवों को ऋग्वेद में अवश्य अंकित किया होगा। उनके इन अनुभवों का बेहतर भाव भारत एवं बेहतर विश्व के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, यह भी इस श्रृंखला का उद्देश्य है। तो यह श्रृंखला लगभग 10-10 मिनट के 7 भागों में है और इसका जो लेखन रूप है वो भी हम अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, अब आगे श्रृंखलाओं में बात।